हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 11th एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन पॉडकास्ट। और शुरुआत में ही हम अपना सपना आज क्लियर कर देते हैं। हमारा सपना है इस पॉडकास्ट को भारत का नंबर 2 पॉडकास्ट बनाना। नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारा सपना ही नहीं है। जैन ने सेम शर्ट पहनी हुई है, सेम पजामा, सेम पैंट, जीन्स है, सेम जीन्स, सेम जूते, सेम चश्मे, बिकॉज ये सेम दिन रिकॉर्ड हुआ है। हाँ। और इन पे एक्स्ट्रा थे नहीं, हम बदल के आ गए। राजेश की शर्ट देखो आज। ये जो तूने कैजुअली फैट शेम किया कि अपना साइज ही कुछ ऐसा है, कुछ भी मिल जाता है ना, किसी का भी आ जाता है। हाँ। शर्ट नीवी जी पवा के, मैं तो अपनी गरीबी बता रहा था। शर्ट नीवी जी पवा के, नीवी शर्ट इन्होंने पा ली है। और म्यूजिक वाले में काफी बातें रह गई है, हमने पता है वो हम आगे उसका पार्ट 2 भी लेके आने ही वाले हैं। लेकिन आज बात होगी दोस्तों एक काफी हद तक क्लिकबेट टॉपिक, रिलेशनशिप्स पे। द ग्रेट इंडियन रिलेशनशिप्स, हिंदुस्तान में जिन परिवारों में हम पले बढ़े हैं, जिन यार दोस्तों के बीच हम घूमे हैं, जो अदर जेंडर से लोगों से हम मिले हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे सभी तरह के। और पहला रिश्ता तो माँ से ही बनता है जैन भाई। अच्छी चोरी बात कर दी। नहीं, अरे रिश्ता मतलब माँ से पैदा होते हैं तो रिलेशनशिप बात अलग है ना। नहीं, relationship, any, we'll talk about all relations. Relations. All relations तो फिर मैं अपने दादाजी की बात करूं। Yes, yes, talk about anyone. We'll talk about, no, no, no. जैसे की बात हो रही है। जय भाई, सर जय भाई क्या है? ओ भाई, मैं कहा है तुझे? नहीं, 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 सर भाई कहा था, आज तो मजा आएगा। आज तो, अरे इस वाली रिलेशनशिप में आगे जाएगी, बट उसमें दोस्तों का सीधा मेरा था, ली, ली की नहीं, मिली की नहीं। बट वो नहीं, all sort of relationships and let's start with, ये कोई मदर्स डे एपिसोड नहीं है, बट स्टिल पहला रिश्ता तो हमारा आई थिंक सबका माँ के साथ ही रहा है। हम ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्यों, क्या क्या बात करेंगे यार। सीधा रिलेशनशिप पे, सीधा रिलेशनशिप पे जंप कर जाऊंगा। और क्या, और क्या, घरों में तो देखो रिश्ते सबके सबको अपनी सेम ही है। ठीक है, नो बागबान कंटेंट है। बहन होंगी तो बहनों से प्यार होगा। ठीक है भाई, ओके, रिश्ता ओनली फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप हो जाओ, इनको ये एक्स वीडियोस में डलेगा जान, मैं जैसे भी आ रहा है। ये बुड्ढा बहुत बिगड़ गया है, ये बुड्ढा इस पॉडकास्ट में बहुत बिगड़ गया है। अब इस वीडियो के बाद अगर जैन के घर वाले करें बेटा सलाम करो, जैन सलाम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधा फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स पे आते हैं। तो पहले जैन, आपकी दोस्ती हुई या पहले सीधा रिलेशनशिप हुई? मैं तो लाइफ में एक रिलेशनशिप में आया और उसके बाद मुझे लग गया कि भाई यही यही तो सेम, ये मेरा भी सेम। यही बहुत तो यार दोस्तों के अनुभव फिर हम बता सकते हैं। यार दोस्तों के बता सकते हैं, पर जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी जो पहली क्रश, क्रश क्या, हाँ, जो पहला वो था कि रियलाइज हुआ, वो वही था जो मैंने पिछली बार सुनाया था, वैन वाला कहानी। फिर से सुना दे। तो कहानी ये थी गाइस कि मैं 7th में था, वो 6th में थी। ओ जूनियर्स। हम दोनों एक ही ओमनी में जाते थे। ये नहीं सुनाया, ये सुनाया। मैं यहाँ बैठता था, वो सामने बैठती थी, मैं और कहाँ देखता, तो उसे देखता हुआ जाता था, अंदर गाना भी बजता था, देखता भी था। एक दिन वैन रुकी, उसने बोला कि भैया एक सेकेंड, मेरी मम्मी को फीस देनी है। कोई बात नहीं, आंटी फीस देंगे, चले जाएंगे। आंटी ने फीस उसको कम दी, मुझे ज्यादा दे दी। कह रही क्यों मेरे लड़के को क्यों घूरता है तू? तो मेरी पहली वो थी। उसके बाद मैं जैसे पहले उस वक्त होता था लड़कों के साथ, एक बार मम्मी ने टोक दिया, फट गई, तो रुक गए, दूसरी तरफ देखने लगे। लेकिन थर्ड से मैं अच्छे प्रॉपर स्कूल में गया, एंट्रेंस निकाल के जिसमें झूले थे। तो अब क्या हुआ कि एक लड़का था पिछले स्कूल में, नाम है उसका, तो शादी वादी हो गई उसकी, और विकल्प ऐसा था कि भाई गर्मियों की छुट्टी के बाद एक बार आया, टांगे 6 इंची लंबी, मतलब 7वें 8वें नंबर से सीधा क्लास का सबसे लंबा लड़का हो गया। लेकिन जब सेकंड तक विकल्प मेरे साथ पढ़ता था, और मतलब ठीक था, मेरी ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, जानता था मैं उसको। अब मैं नई क्लास में, क्योंकि मैं हमेशा से एक्स्ट्रोवर्ट था, तो इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था कि भाई हम नए स्कूल में जाएंगे, अब नए दोस्त बनेंगे। दोस्त का बहुत क्रेज था मुझे कि अब नए लोगों से मिलूंगा। गया नई क्लास में, सामने विकल्प बैठा हुआ है जब 4 साल से पढ़ता हुआ आ रहा है साथ में, और वो खुश, अच्छा शिवम मेरे साथ, चल तेरे साथ बैठूंगा, नए स्कूल में एडमिशन मैंने इसलिए लिया कि तेरे साथ बैठूं। मैंने उसको दुत्कार दिया सुबह सुबह, मैं कहीं और जाके बैठ, मैं नया दोस्त बनाऊंगा। तो फिर मैंने देखा कि क्लास में कौन बच्चा मेरे जैसा लग रहा है, तो एक और लड़का था तुषार, जो बिल्कुल मतलब मेरी जितनी हाइट, चश्मा लगाता है मेरे जैसा, बाल भी मेरे जैसे, मैं यार ये अपने जैसा ही लग रहा है। तो मैंने तुषार, मैंने नाम जाके बात बात की, बचपन में बता दिया ना कि तेरे पास बैग रख दूंगा अपना, हो गया रख दे। दोनों में दोनों की दोस्ती हुई, बैठ गए। बट उससे मतलब मेरी ट्यूनिंग बहुत मिली कि क्रिकेट भी वो भी देखता था, मैं भी देखता था, वो भी CID देखता था, मैं भी CID, और वो मुझसे ज़्यादा हरामी था, तो शायद उस एनर्जी ने भी मुझे अट्रैक्ट किया
कि हाँ भाई ये कोई है जो अपने से भी टक्कर गया, मतलब ऐसी ऐसी शैतानियां करता था कि एक एपिसोड कोई सीआईडी का देख लिया उस पर ट्रिप कर देते कि वो करके दिखाऊं तुझे कैसे टीटनस के इंजेक्शन में जहर मिला के दिया था और मुझे मजा आता, हाँ दिखा तो कुछ नहीं करता था, एक पेंसिल लेता था और ये क्लास चल रही है, अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, तुम्हें टीटनस का इंजेक्शन देना, हाँ डॉक्टर साहब दे दो, और फिर उसने पेन लिया, मैं इसे बेहोश होने की एक्टिंग करता था, मैंने तुम्हें टीटनेस की जगह जहर का इंजेक्शन दे दिया, ये सब तब कर रहा है जब मैम पढ़ा रही है, और फिर मैम रोक के पूछ रही है क्या कर रहे हो क्या, अब मुझे कैसे एक्सप्लेन करें कि हमें इसमें मजा आ रहा है कि पेन से इंजेक्शन ले लिया मैं मर गया हूँ। मेरे भी ऐसे स्कूल बहुत चेंज होता है, तो मेरा सेकंड में एक दोस्त था वरुण, और मैं बहुत अच्छा दोस्त था वो, पर एक दिन उसने गाली बक दी यार आपको मुझे, और कौन सी गाली थी भाई, उसने बोला तू पागल तेरी माँ पागल, मैंने कहा मैं तो ठीक, माँ की गाली माँ की सेफेस्ट गाली तेरी माँ पागल, तू पागल तेरी माँ पागल, तो भाई मैंने उसके उस समय सुनील शेट्टी पिक्चर देखता था, मैंने निकाली बेल्ट, मैंने कहा तेरी माँ का मेरी मम्मी को पागल बोला, मैंने बेल्ट से मारा उसे, और बेल्ट भी पहले वो होती थी इतना मोटा बक्कल बक्कल होता था, उसे पड़पड़ा गई होगी, अगले दिन मेरी मम्मी को स्कूल में बुलाया गया, मम्मी उसे मुझे क्यों मारा, मैंने कहा बोल रहा था तेरी माँ पागल, तो मेरी वहां से दोस्ती उससे टूट गई, फिर बाद में सुला बुला कर आई मम्मी घर ले गई, बात ठीक हो गई, फिर मुझे याद है बेचारा वो कनाडा शिफ्ट हो गया, लेकिन कनाडा जाने से पहले उसका हादसा क्या हुआ, यू हैव अ हिस्ट्री विद पीपल बीइंग योर फ्रेंड देन मूविंग टू कनाडा एंड देन हैविंग अ फाइट विद देम, तो उसने क्या हुआ, अनार दिवाली थी, मतलब ये सैड स्टोरी है, बट दिवाली की छुट्टी में सब गए, जब वापस आया तो वरुण आया तौलिया डाल के मुंह पर, फेस जल गया भाई उसका, हुआ क्या था वो अनार जला रहा था और अनार जल नहीं रहा था, तो अनार के ऊपर खड़ा हुई देख रहा था, अनार जल गया, वो जल गया, उसके बाद वो तौलिया लगा के आता था, बट फिर बाद में उसको गर्मी से एक्सपोज हो, उसके परिवार वाले कनाडा शिफ्ट हो गए। मेरा पहला दोस्त मुझे वो याद है, एक और दोस्त था मेरा फारूक, बट उससे मेरी ज्यादा मेमोरी, इंजीनियर नहीं नहीं तो और नाम जस्ट फारूक शेख वे कुछ था, फारूक शेख, फारूक शेख जीटीवी पे उसका शो भी आता था, लेकिन मुझे पहला दोस्त वरुण याद है, अच्छा। वरुण याद है, लेकिन मैं मेरे दोस्त का नाम म्यूट कर देना जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि अब जो उसकी हरकत बता रहा हूँ उससे वो चाहेगा नहीं पब्लिकली हो, तो क्या हरामी जैसे मैंने बताया बहुत था ही, और उसको बहुत मजा आता था, सेडिस्ट था प्रॉपर, मतलब कि ना, और ऐसे बहुत कम, जैसे ये वो वाला लड़का था जो डायरी में खोल के आपके पापा का नाम पढ़ लेगा और कभी आपको आपके नाम से नहीं मिलाएगा, विशाल के पापा का नाम पढ़ लिया चमन, अब ओ चमन, और पूरी क्लास को किसने बताया चमन नाम, इसने बताया, तो फिर उसको उधर से दूर है कि मैं इसके पापा का नाम पढ़ूँ, ये सब हरकतें करता था। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से हम साइकिल पे वापस जा रहे थे, बहुत सेवन्थ एट्थ क्लास में, तब तक गालियाँ वालियाँ सब पता चल गया था, तो वो बुग्गी नहीं होती है भैंसा के पीछे बंद के जो चलती है, उसमें गन्ने जा रहे थे बहुत सारे, अब हिम बींग हिम उसने बोला कि गन्ने खाओ गन्ने खाओगे, ऐसे सब बोला भाई हम तो हिम्मत नहीं है खींचने की, और रुको, तो उसने खींचा, एक खींचा चलो ठीक है, फिर दोस्तों ने कहा और, तो उसने तीन चार खींचे, तीन चार खींचे होंगे, जो आगे लेडी चला रही थी उसको पता चल गया, तो उसने मुड़ के देखा इसके हाथ में पांच गंजे, तो वो क्या कह रही है, हाँ जाके इन्हें अपने माँ के भोजन में डाल लियो। अब गाली पड़ना तो एक चीज है, लेकिन औरत से गाली पड़ना बहुत बेइज्जती की बात है, कि औरत ने इतनी गंदी गाली दे दी कि जा इन गन्नों को, अभी तक ये हीरो था हमारा, कि भाई इसने हमारे लिए, ये हमारा वो है करता धरता, इसने हमारे लिए गन्ना लिया है, हाँ। गन्ना कहाँ डालने के लिए बोल गई आंटी, तो इसको तो वो एक दिन मुझे उसका याद है कि जहाँ उसका सर शर्म से झुक गया था, और वो उसका वो पॉइंट होता था कि जब वो बहस में जीत रहा था लोग ये ले आते थे तो गन्ने का क्या किया, फिर उस पर जवाब नहीं बसता था। सिमिलरली मेरा एक इंसिडेंट है, कुछ मैं सेकंड थर्ड में गया था, तो कुछ बच्चे फिफ्थ सिक्स में कंटिन्यूसली फेल हो रहे थे, तो उनको जलील करने के लिए अलग के लिए थर्ड में बैठाया गया, मुझे पता था येलो येलो डी फैलो, फिर क्या बोलो खाट खाट खाट, मैं खाट खाट खाट, क्या तेरी बहन है कड़ी मांगी चाट, और उनके दोस्त हंसने लगे, मैंने कहा ये नया है मांगी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा उस दिन, मैंने कहा मम्मी बोलो घाट घाट घाट, मम्मी बोला घाट घाट घाट, मैंने दे बता दिया, तो पहले तो मम्मी बोली किसने बताया बेटा, मैंने कहा ये कोई ग्रॉस क्या पता, मैं थर्ड में मुझे क्या पता क्या होता यार, आपको माँ पागल, मतलब आपको ये कि माँ के आगे पागल के अलावा कुछ भी पागल तो पता ना, पागल पागल होता है, लेकिन ये नहीं पता क्या चटवा रहा है, माँ की चूत क्या होती है मुझे क्या पता, मुझे लगा कि भाई जैसे बच्चे आते हैं मैंने बता दिया,
पहले तो मुझे घर में बड़ा चाटे, तीन दिन में स्कूल नहीं गया, लेकिन उस चौथे दिन मेरी मम्मी गई उन वाले बच्चों को वापस सिक्स्थ में भेजा। वो तो कर ही दे, माहौल खराब यार, वो तो खराब है, ये तो है। मेरे तो मेरे जो पहले सबसे पहले जो दो दोस्त थे मेरी गली में रहते थे, दोनों जुड़वा भाई देवार राम लक्ष्मण नाम था। और ये मैं वो आई एम शॉक कि जुड़वा बच्चों का नाम लवकुश रखते हैं, बट आपकी गली में राम लक्ष्मण रखा। राम लक्ष्मण थे वो, और मतलब बहुत कम टाइम तक हमारी दोस्ती थी, फिर हम स्कूल में जाने लगे तो वो अलग स्कूल में पढ़ गए थे, मैं अलग स्कूल में जाने लगा था, तो फिर हमारी दोस्ती कभी नहीं हुई। बात बात बट बचपन में क्या चीज से दोस्ती डिफाइन होती थी, लगता है एक सेम एज होना, खेलने बुला लिया, खिलौना शेयर कर लिया, धक्का देके गिरा दिया। हाँ, सब्जेक्ट ये वो होते जब मैं स्कूल नहीं जाता था, वो भी स्कूल नहीं जाते तब के, मुझे लगता है बचपन में उसे दोस्त जिससे पिट के दुख ना हो, कि अगर हमें चोट भी पहुंचा रहा है तो दोस्ती में कबूल है, किसी ने धक्का देके गिरा दिया, लेकिन अगर दोस्त है तो घुटना झाड़ के उड़ जाएंगे, और अनजान आदमी दे धक्का तो फिर रोते हैं। बट ये जैसे आपके वाले ने कि आपने किया था सिक्स क्लास में हो जाया था, तो हमारी में भी एक बार ऐसे हुआ कि पहली बार मुझे पता चला, मतलब सेकंड तक तो मेरी क्लास में कोई फेल होकर आया ही नहीं था, थर्ड क्लास में ये जब नए स्कूल में गया तो एक लड़का आया, नाम भी सिकंदर फोगाट, और विजुअली हमसे बड़ा दिखता था, तो मैं ऐसे चौंक रहा हूँ कि इतना लंबा क्यों है, तो पता चला चाहे पहले दिन टीचर ने टोक दिया, अभी भी अकल नहीं आई है, रिपीट कर रहे हो क्लास। तो मैंने कहा अच्छा सही में लोग फेल होते हैं, वो मेरे लिए इतना शौक था कि एक क्लास अब दोबारा से पढ़ेगा, हमें चैप्टर रिवाइज करने में मौत आती है, तो सब कुछ ही दोबारा से पढ़ना है, और उसने पहली बार पढ़ा ही नहीं था। और भाई वो उस टाइम ऐसा था कि हमें फुटबॉल खिलाते थे गेम्स पीरियड में, तो वो एकदम रोनाल्डो हमसे बड़ा, तो वो तो ऐसे टिकी टाकी करके ले जाए बॉल को आगे, हम पीछे पीछे घूम रहे, और मुझे पता नहीं थे रूल, तो मैंने फुटबॉल में क्या किया कि फुटबॉल गई जैसे दीवार से टकराई, दीवार ऑफ साइड होती थी, तो लगी मैंने हाथ से उठा के फेंक दी, तो उसने आगे हैंड होता है, तो वो मुझे एज माई फर्स्ट फुटबॉल कोच याद है, कितने फोगाट साहब, महावीर फोगाट का, सिकंदर फोगाट थे, जो जीवन में फेलियर होंगे, स्टडीज में फेलियर होंगे, जीवन में नहीं थे, जीवन में नहीं थे, मुझे उन्होंने फुटबॉल खेलना सिखाया। तो ऐसे भी लोग भी मुझे तो अपने दोस्त लगे कि हाँ, जो आगे सिखाते थे मुझे, प्रोटेक्ट करते थे। जो मेरे स्कूल में, मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ने गया तो फिर एक और क्लास में लड़का था, वो लकीली या कैसे भी वो मेरे घर पे किराए पे रहने लगे। क्या नाम था उसका? राहुल। देवा ना, राहुल था, देवा मेरे साथ पढ़ता नहीं था। ये राजेश का इकलौता दोस्त है जिसका नाम मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी एज का है? हाँ। इसकी एज का है? राहुल। कहाँ नाम इतना सही होता है? काके। काके देवा फते। देवा फते। और अगर आपको लग रहा है काके, उसका नाम महेश है। महेश और राजेश लेकिन सेम ग्रुप के लगते हैं। हाँ, फिर राहुल ने क्या करा? इसके घर पे भी रहने लग गया फिर। वो फिर हमारे घर पे रहने लग गया था। राहुल का ऐसा था कि राहुल ना पराठे खाता था और उसको गैस हो जाती थी। तो हर दूसरे दिन वो क्लास में बैठ के रोने लगता था। फिर उसकी मम्मी आती थी लेने के लिए उसको। अब फिर वो हम सेम घर में रहते थे, तो मैं भी चला जाऊँ उनके साथ। कहती हाँ तुम भी चले जाओ। तो राहुल के भरोसे मैं भी कई बार जल्दी घर पे आ जाता था। मुझे ये अच्छा लगता था, इसलिए मेरी राहुल से दोस्ती हो गई। राहुल बीमार पड़ा कर राहुल रोज, तब भी राहुल रोज पराठे खाता था। मम्मी मकान मालिक मेरे भी बहुत ये मेरे टिफिन को बहुत बोलता है। तो और बचपन में वो याद है कि मतलब पहली बार दूसरे जेंडर में फ्रेंडशिप कब हुई? यार मेरा तो, मैं सेकंड आता था हमेशा और फर्स्ट लड़की एक। हाँ, तो मेरे पापा ने ऐसे मजाक बोल दिया कि आज कुछ चल रहा है तेरा सेकंड थर्ड में। भाई सेकंड थर्ड में मैंने दिल में वो बना लिया कि मेरा तो चल रहा है। इजीली इसको आगे निकलने देता हूँ। कोई बात नहीं यार, मुझे अभी नाम याद है उसका, आस्था नाम था। आस्था से मैं सेकंड आता था और कभी कभी थर्ड भी आता, सेकंड आता जिज्ञासा। फिर मेरे पापा बोले जिज्ञासा नहीं बैठा है, मेरे दोस्त चल रहा है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरा आस्था के साथ बैठ रहा है। ये बुड्ढा मेरे बहुत हुकअप्स कराता है। सो हाँ, मतलब मुझे पहला इंटरेक्शन वही याद है, पर उसके बाद दिस वाज अ फिक्शनल फ्रेंडशिप व्हिच यू हैड इन योर हेड। बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आए तब आपको लगने लगता है भाई लड़कियां तो wow, I don't want to be with girls. ये आपको भी फील कराते थे? मुझे लगा सिर्फ मेरे स्कूल में था, मतलब तेरा तो बॉयज स्कूल ही था। इन दी फर्स्ट फीमेल फ्रेंडशिप कॉलेज में या ट्यूशन में हुई होगी? ट्यूशन में भी नहीं हुई। नहीं थी? बाइंडिंग क्लास में। बाइंडिंग क्लास में, बुक बाइंडिंग क्लास में। हाँ, कुछ तब मैं बहुत छोटा था दोस्ती के लिए, तो मेरे को इतना कोई वो तो नहीं था। पहली दूसरे जेंडर की फ्रेंडशिप कॉलेज में आके हुई है? सीधा कॉलेज ही कह सकता हूँ यार। ट्यूशन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरेक्शन हुआ, फ्रेंडशिप इंटरेक्शन ही हुआ। कभी किसी और बैच में चले गए जहाँ लड़की है, दोस्ती कभी नहीं। तो मेरी पता है कैसे हुई, मेरी ऐसी हुई कि लड़के तो वही फील कराते थे ये फोगाट साहब टाइप के, और बाकी सब भी फोगाट साहब के पदचिन्हों पर चलने वाले लड़के। लड़के से दूर रहना। हाँ, मतलब ये दुश्मन है यार हमारी। फ्री पीरियड होता है, टीचर हमें बाहर ले जाना चाहता है, ये कहते हैं नो सर अंदर बैठेंगे। ये बात ट्रिगर करने के लिए काफ़ी थी कि दुश्मन है हमारी, हम होमवर्क नहीं करके लाते हैं, ये करके ले आती हैं, हम पिटते हैं, इनको ये सब करना होता है। तो मैं भी बिल्कुल एकदम हार्ड कोर
हेट करता था लड़कियों को कि भाई इनसे, और लड़के लूजर भी मानते थे कि लड़की से बात करेगा अच्छा ये हमारे गैंग में पनिशमेंट होती थी भाई कि लड़की के साथ exactly. फिर मुझे मिली पनिशमेंट कि तुम्हें लड़की के साथ, ये जो आज के डेट में रिवॉर्ड है वो उस जमाने में पनिशमेंट कि तुम इसके साथ बैठ जाओ। अब मेरे को लगा कि यार ये तो अब मतलब नियति का फैसला है, ऐसे ही बैठना है तो इसके साथ हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, वी हैव टू मेक पीस विद इट, इट इज नॉट गोना चेंज। तो मैंने लड़की को ही क्रिकेट विकेट का शौक लगा दिया। मैंने देखा अगर बहुत मजा आता है कि अब इससे क्या बात करूँ, ये पता नहीं क्या देख के आती है, ये क्या जीवन जीती है, मैं हमारे और क्या कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो मैं सीरियल देखता था या जो मैं मैच देखता था उसको देखा कर सही होता है, तो फिर वो देख के आ रही कुछ नहीं तो अपनी वन साइड स्टोरी सुना रहा हूँ कि कल का मैच तो जीतते जीतते रह गए, सहवाग ने तो बहुत जोर लगाया, नीचे कोई था ही नहीं, सब आउट हो गया। उससे चाहे समझ आ रहा हो बट सुन लेती थी, गुड लिसनर, शी वाज अ गुड लिसनर। कहाँ है आजकल? पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता मतलब, बट था। और वही सेम मेरी बस में भी आती थी तो बस में भी उससे बात हो गई, और हम मेरे पापा ने लेकिन कभी नहीं बोला तेरा इसका चल रहा है क्या। मेरे पापा खुले दिमाग के थे ना वो, मेरे पापा जबकि ये सत्ता करते थे कि वो मेरे से पिछले स्टॉप पे चढ़ती थी फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके बराबर वाली सीट खाली होती थी तो मैं आगे बैठता था। सर्दियों में तो मेरे पापा बस में घुस के पूरी बस के शीशे बंद कर देते जबकि मैं कैप स्वेटर कोट मफलर पूरा पैक्ड होता था, मतलब सिर्फ ये तब पोर्शन मेरा दिख रहा था, तब भी आके एक शीशा बंद करना सब बस के बच्चे क्या बोलते थे, ये बुड्ढा हमारी बस में चढ़ के बहुत बंद करता है ये सब करना, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं बोला, तो मुझे लग रहा है पहली फ्रेंडशिप हाँ उससे ही हुई नहीं। मेरी मतलब मेरी कजन वगैरह थी सात उम्र की, तो जब मैं फोर्थ में करता था मैं बाकी सारी लड़कियों से नफरत करता था अपनी एक कजन को छोड़ के, और अच्छा बाकी कजिन से भी नफरत करते थे। हाँ मतलब बाकी इन जनरल लड़कियों से ही नफरत करता था, पर उसने मुझे भाई वो खबरें लाके देती थी, हलचल फिल्म, उसकी उसकी फिफ्थ में मैं भी था, फिफ्थ में या सिक्स में होती तो उनके स्कूल में ये पीरियड की वर्कशॉप होती थी, पीरियड हाँ पीरियड्स होते हैं क्या होते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब वो आगे मुझे बताती तुम्हें पता है ये विस्पर क्या होता है, मैंने कहा नहीं, कह रही ऐसा तो मेरे को पता था ये सब क्या हो रहा है। तो पहली बार जो मैं कंफर्टेबल हुआ लड़कियों के अराउंड वो उनके साथ हुआ, किसी लड़की को ये बात करनी पड़ी जैन को कंफर्टेबल करने, नहीं बिकॉज वो टैबू था भाई। आज मतलब मैं फिफ्थ में कब रहा हूँ, 2002 या 2003 में, सो तब एटलीस्ट उसने जब ये कंफर्टेबल मेरे को कराया अराउंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, तब जाके मैं थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ ये, मतलब तब मुझे लगा कि हाँ लड़के तो ठीक है नॉर्मल इंसान ही तो है। हमारे भी ये नॉर्मलाइजेशन था भाई, दिमाग में कभी आया ही नहीं, घर में बहुत सारी घर में थी ना, घर में थी ना ये वाला कि बाहर लड़कियों से बात करना, क्योंकि घर के बाहर मैंने बात ही नहीं करी, स्कूल में मिली नहीं, कॉलेज ट्यूशन में हुआ नहीं कभी ऐसा कि हो गया हो, तो वो मैं कॉलेज में जब पहुंचा ना तो मैं कॉलेज में जाकर भी मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी, ये हिचकिचाहट थी, कोई लड़की ऐसे आगे से हाथ बढ़ाई थी ना तो मेरे को लगा लड़कियां भी हाथ मिलाती है, ये तो मेरे साथ भी होता फिफ्थ सिक्स में, मेरे को वहां का पता लगा कि लड़कियों के तरीके भी ऐसे हमारे जैसे ही होते हैं, गाली भी देती है वो, उससे पहले मुझे लगा कि लड़कियां तो अलग ही रहती होंगी, लड़कियां क्या वो तो थोड़ी जीती होंगी लड़कों की तरह, लड़के होते हैं ऐसे। और लड़कियों की सबसे ज्यादा हेट स्कूल में तो उनके स्टूडियस होने से ही होती थी, कि लड़के फिर भी एक टॉपर लड़का में भी एक शरारत होती थी, बट स्टूडियस लड़कियां टॉपर लड़के से भी चिड़ी होती थी, हाँ उसको भी लड़की ही मानते थे कि भाई इतना पढ़ रहा है लड़की है क्या, यही चल यही निकलता था मुंह से फिर, कितना पढ़ रहा है सब काम करके साले क्राफ्ट पेपर लेके आया लड़की है क्या, यही निकलता था अंदर से। बट जैसे मेरे को लग रहा है कि फिफ्थ क्लास में जैसे हैंडशेक ना मेरे लिए भी शॉकिंग था, फिफ्थ सिक्स में एक लड़की ने एक फ्रेंडशिप बैंड ले आई नया नया, एक तो अपने को तो पता ही नहीं कि फ्रेंडशिप डे भी होता है, उस पर बैंड भी चलता है, एक सीरियल वीरल में देखा था और वो कि फ्रेंडशिप बैंड पहनाना, तो वो अपने को ऐसा लगा कि गुलाम बना लेगी कहते ना मैं चल भाग ले बाबा कि अगर इसने ये पहना दिया तो हम तो लायबल हो जाएंगे। पहले राखी तो पहने होगी, राखी तो छुट्टी होती थी, राखी वाके हमारा नहीं चलता अच्छा। और ये मतलब ऐसे लड़कियां आपस में कर रही थी, अब उसको कुछ लगा होगा कि मुझे पहनाना, मुझे लगा कि अरे इससे तो मैं आती थी भाई दोस्ती करना, और लेकिन मेरे को तो लगा कि इससे दोस्ती की जाएगी तो फिर एक तो देश निकाला, लड़के निकाल देंगे मुझे अपने कुंबे से बाहर, और ऊपर से मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा इसके लिए। और एक तो मतलब ये भी होता कि अगर किसी लड़की ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया तो आप प्लान कर लेते हो कि तो इसी से शादी करूंगा मैं, नहीं वो तो सोचना ही नहीं था हमने को तो नहीं नहीं भाई मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हो गया था कि नॉर्मलाइज हो गया था मैं जब कम उम्र में, मैं नॉर्मलाइज बाद में हुआ था, 10th 12th में जब किसी से दोस्ती होती थी तो मुझे लग रहा था यही है क्या एक दिन मैं मम्मी से मिलाऊंगा क्या उस पर, तो वो नॉर्मलाइज तो हम ऐसे हुए कि जब प्यूबर्टी हिट की अपने आप इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ लड़कों का, कि एक दो लड़कों को स्कूल में किस मिल गई, ये सब जब हुआ तो फिर हुआ कि, और पता क्या हुआ सबसे पहले जो लड़के लीड करते थे इस पूरी मुहिम को वो सबसे आगे बढ़ के, तो मतलब अगर कोई चौधरी साहब है जो हमें किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं, पहली किस भी वो ही करके आए, और अब उनका ऐसा कि मैंने चेक कर लिया है नॉट पॉइजनस नहीं है भाई, सही है सही है, कर लो तुम लोग भी दोस्ती फेंकते थे लौंडे,
नहीं अरे एक तो हमने तो क्लास में देखी है पप्पे होता है हाँ लिप टू लिप छोटा ऐसा टच एंड गो बहुत है भाई हाँ बहुत है भाई क्लास लेकिन लाइव देखा लाइव देखना और वो लड़के की क्या इज्जत ही मतलब उसको हम पांव जमीन पे नहीं रखने देते कि उस्ताद आप तो भाई अजीमो शाह शहंशाह ये क्या कर दिया आपने हम खा रहे हैं आप खा रहे हो भाई वो जो उसका था बट हाँ मुझे लगता है तब तक ये हो गया था 9th 10th क्लास तक आते आते हमें तो ये देखने के लिए पार्क में जाना पड़ता था इंद्रप्रस्थ पार्क में चले गए लौंडे और मैं तो वहां भी नहीं जाता था डर से कि मैं पकड़ा जाऊं मेरे भाई घूम रहे हो वहां तो वो अलग मंशा से गए होंगे तभी पकड़ा तू जाएगा हां वो देखने गए हूं और मैं पकड़ा जाऊंगा अच्छा वो भी देखने ही गए हो करने ना गए हो फिर तो हो सकता करने भी गए हो बड़ा था मुझसे मेरा वाला भाई मेरा भाई तो और घूमता फिरता भी रहता था तो मैं सिर्फ पूछता था भाई क्या होता है वहां पे सब की वो दंतियां वहां की पूरा दिख जाता हां पूरा दिख जाता है भाई कैसे कैसे फिर वो बताते हाँ। गए थे वहां पे झाड़ी में लगा फिर हमें देखा चुन्नी डाल दी हमने ऊपर और एक मुझे लगता है कि जैसे हमारे कोएड स्कूल में तो जो लड़कियों से क्लोज आने का या अक्रॉस द जेंडर फ्रेंडशिप करने का मौका वो को करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा सा मिल जाता था कि पढ़ाई में तो चलो आप उतनी बात नहीं कर पा रहे पढ़ाई को लेकर कम्पिटिटिव होते हैं बट उन एक्टिविटीज में क्या आपको टीम अप होना पड़ता है तो अब मिलकर रंगोली बनानी है जैसे मैं रंगोली बनाने वाली टीम का हिस्सा रहा हूँ और फर्स्ट आया था मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था मेरा कंट्रीब्यूशन तो सुनो तो तुमने एचआर में क्यों नहीं ट्राई करा मेरा कंट्रीब्यूशन तो पहले सुन लो फिर तो बोलोगे पक्का एचआर में मैं रंगोली बनाई भी नहीं थी सामान लेके आया था क्योंकि मेरे पापा की दुकान के बराबर में लाला की दुकान थी तो वह रंगोली के रंग और जो जो सामान चाहिए था आटा वाटा वो मैं ले आया था उससे मेरा टीम में नाम चढ़ गया और लड़कियों ने पूरी मेहनत करके पिकॉक विकॉक जो बनाया बनाया भाई हमारा हाउस फर्स्ट आया मैं तो रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट का सर्टिफिकेट है बचपन से मैं ये राजा वाजा बनता था नहीं नहीं बनता था राजा तो आप दिखते हो ना राजा का मतलब क्या है नहीं बचपन में बहुत दुबला पतला था अच्छा लेकिन जब मैं थोड़ा गरीब देश के राजा राजा बनता था और पाटन की एक राजकुमारी हसमुख दे था नाम मुझे वो याद लड़के घूमती आगे पीछे भाई जो रानी बनती थी उससे मेरा हो जाता था कैसे अब इस टॉपिक को राजेश भाई आप थोड़ी अपनी मेल फ्रेंडशिप्स के बारे में बताएं फिर मैंने दोस्ती अनुभव है ना मैंने दोस्ती के खातिर कुछ नहीं किया भाई मैं जा जाता एग्जाम में कुछ दिखा देता था मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था पहले शुरुआत में और मैंने ज़्यादा दोस्त स्कूल में बनाए भी नहीं क्योंकि मेरे जो स्कूल था वो घर के बहुत पास था तो गली वाले दोस्त ज़्यादा थे आस पास के बहुत लोग वहाँ मिलते थे और उनके लिए भी कुछ नहीं होते थे कि मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल था तो उसमें वैसे ही बच्चे पढ़ने आते थे कि कोई सब्जी वाले का बेटा है तो मेरे घर वालों का था कि दोस्त कम रखना लेकिन अच्छे रखना तो क्लास में दो चार जो अच्छे बच्चे होते थे मेरी दोस्ती उनसे ही होती थी तो ज्यादा मैंने ऐसे हरामी वाले दोस्त बनाए नहीं वो मेरे आस पड़ोस में बच्चे थे मैंने सिर्फ हरामी बनाए तो मैं क्लास में भी अलग ही बैठता था और जिससे जैसे वो चिढ़ते होंगे शायद मुझसे चिढ़ते थे कि एग्जाम में सबसे पहले मैं करके दे जाता था वो बोलते दिखा दे मैंने दिखा रहा चीटिंग नहीं करा था तो वैसे वाला था और गली वाले दोस्तों के लिए भी कुछ नहीं किया दोस्ती में क्या ही करते दोस्ती में एक दोस्त था वो गिर गया था उसको गिर गया था कि कूदा था नहीं हम एक स्कूल था घर के पास स्टोरी टाइम तो वो स्कूल में हम ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे तो आपको राजेश की कहानियों से ये समझ में आया कि राजेश स्कूलों के बीच पले बड़े हैं हर कहानी इसकी घर के पास एक स्कूल था यार मैदान से ज्यादा स्कूल कितने स्कूल है टोटल तेरे घर के आसपास मेरे घर के पास एक दो तीन तीन स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट और एक छोटे मोटे प्राइवेट फिर प्राइवेट स्कूल है एक दो अच्छे बड़े और ये मतलब बहुत पास है कि वॉकिंग में चलेंगे ऐसे वाले तो वो स्कूल के ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो एक दिन हमने बॉल किसी ने छक्का मारा और ऐसे दो मंजिल की वो थी बिल्डिंग उसके छत पर चली गई तो अब ये प्लान हुआ कि कौन जाएगा तो कुंदन ने वॉलंटियरली बोला मैं जाऊंगा तो उस पर चढ़ने का एक रास्ता ये होता था कि क्योंकि वो संडे को होता था तो स्कूल बंद होता था तो एक पेड़ था पेड़ से चढ़ो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाओ फर्स्ट फ्लोर से पूरा वो सीढ़ी चढ़ के सीढ़ी नहीं होती थी वो एक छेद था उस पर चढ़ के ऊपर छत पे चले जाओ
तो ऐसे वो एक रास्ता था ये जाने असली स्पोर्ट्स तो ये था हाँ असली स्पोर्ट्स ये था असली फिटनेस वही थी तो हम सब बैठे वेट कर रहे हैं और कुंदन और काके दो लोग गए के के गए और के बहुत ऐसा एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो अभी मिनट में कैसे ऐसे अचानक से हमें पता नहीं चला क्या हुआ एक दिन और बात बता रहा हूँ इनसे केमिस्ट्री का पता लगा इनकी ऐसी है कि खेलते खेलते पता नहीं कुंदन बैटिंग कर रहा है और काके फील्डिंग कर रहा है कीपिंग कर रहा है पीछे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ और थोड़ा सा भीड़ इकट्ठी हुई जब मैंने जाके देखा तो ऐसे काली हो चुकी थी के कुंदन की विराट कोहली नवीन उलग तो इस लेवल की केमिस्ट्री थी उन दोनों की तो मैं आगे बात बताने वाला हूँ तो इससे आपको अंदाजा होगा कि केमिस्ट्री मैंने क्यों बताई तो हम सब बैठे वेट कर रहे हैं और ये काम साथ में करने जाते थे तो अब हम बैठे वेट कर रहे हैं कि बॉल आएगी और फिर से गेम शुरू होगा तभी एक चीख क्यों आ जाती है बहुत तेज कुंदन की चीख थी तो अभी कोई जा नहीं रहा सबका ही चल रहा अब वो का कह रहा है कुछ कर रहा हो मतलब अब वो दोनों कुछ वो कुछ कर रहा यही है मेल फ्रेंडशिप्स को डिपिक्ट करने वाली स्टोरी फिर ठीक है फिर हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं अब वो एक बार चीखा ही तो ठीक है हो सकता है कुछ हो गया हो नहीं दिमाग में कुछ भी हो सकता है तो कुंदन को काके और एक लड़का और कोई ऐसे उठा के लेके आए ऐसे लेटा हुआ है वो ऐसे उठा रखा है और ऐसे घसीटते हुए ला रहे हैं और उठ नहीं रहा है वो भी अच्छा थोड़ा हेल्दी था उठ नहीं रहा है तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये जो पेड़ से चढ़ते थे ना तो पेड़ से जमीन पे गिर गया था और पीठ के बल गिर गया था तो अब मैं उसके पास गया कुंदन कह रहा बंटी मेरी माँ का ध्यान अरे बंटी को अपना नहीं पता भाई रात को क्या खाना है फिर हम कह रहे कि क्या बोला है मैं नहीं बचूंगा बंटी मेरी माँ का ध्यान रखियो मैं नहीं बचूंगा और थोड़ी देर बाद मैं बॉलिंग डालूंगा लड़ाई हो रही आपस में ठीक हो गया थोड़ी देर बाद गिर गिरा के इतना क्या है कि हाँ उसको उठा के बैठा लिया पानी ले आया भाग के उसके लिए नहीं इसमें तो अपोजिशन टीम भी यूनाइट हो जाती थी किसी के यहाँ बॉल लग जाए कुछ ऐसा हो जाए तो फिर लोग डिफरेंसेस वन एक ही मतलब वही पांच छह लोग होते थे पहल धुलती रहते थे तो लोग भूल जाते थे डिफरेंसेस ये तो होता था क्रश आपको जैसे एक तो आपने वही उसी पे हुआ था आपको क्रश जो आपको टॉपर से लगता था क्रश आपको क्रश नहीं था मेरा वो हाँ तो क्रश कौन थी पहली क्रश अब मैं क्या बताऊँ उसके लिए शादी हो चुकी है हाँ तो आपकी भी हो चुकी है नाम उसकी तलाक भी हो चुकी है हाँ तो आपकी भी तो हो चुकी है क्या मेरी तलाक थोड़ी हुई है तो आप बता दोगे आपका भी हो जाएगा आप अपना फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दोगे तो आपका भी हो जाएगा तो नहीं बता रहा नहीं फिर भी बता दोगे बड़ा एक लड़की थी भाई को बहुत क्रश था उसके ऊपर और कुट से लिखता भी था ये कॉलेज स्कूल स्कूल भाई स्कूल पर कभी हिम्मत ही नहीं पता एक वैसे बहुत चूतिया सा लौंडा था उसका बॉयफ्रेंड था ऐसा हमने सुना था बट जब पता चला उसकी शादी हो गई फिर पता चला कि बाद में उसका डिवोर्स भी हो गया कब हुई इसकी शादी मतलब बहुत जल्दी हो गई थी मतलब जब आप पढ़ रहे थे तभी हुआ था या अभी रिसेंट की पढ़ रहा था शायद मैं अच्छा जो जल्दी शादी कर लेती है लड़कियां जल्दी शादी हो किसी का लड़की का नाम लेके उसके बड़ा फीका फीका उस तरह बताओ ना कि क्या अच्छा लगता था इतना थोड़ी सोचा था मैंने सही लगती थी भाई अच्छा सिर्फ लुक्स पे लुक्स क्या मतलब भाई बढ़िया लगती थी अब इसमें कैसे बता सकते हैं कि वो मेरे क्या अच्छा लगता ये मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ भाई ये मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ बट ऐसा मतलब जैसे मुझे लगता है कि मेरे को स्कूल टाइम से ही वैसा था कि अगर जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की जिसको ऑलरेडी अटेंशन मिले तो मैं तो खुद को लाइन से बाहर मान लेता था कि ऑलरेडी रेस में फर्स्ट आने वाले लड़के कर्ली हेयर वाले लड़के बहुत लोग हैं तो गिटार बजाना है लड़के हाँ टॉप फाइव लड़कियों पर तो ट्राई भी नहीं करना है कि वो ऑलरेडी कैप्चर्ड है इतने ऐसे ऐसे लड़के हम क्या है हम तो चुटकुले ही सुना सकते हैं तो वो लड़के भी सुन लेंगे ये भी सुन लेंगे अपना तो कोई चांस है नहीं तो इनसे तो मैं बाहर रखता था फिर मैं इसी पर जाता था कि जो एटलीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा किसी का अगर अच्छा हो बात तो समझती तो हो फिर लुक्स वुक्स सब सेकेंडरी हो गए कि सेपियोसेक्सुअल था मैं थोड़ा सा उस टाइम पे भी ये सब चीजें मैं देखता था ऐसा मैं आपका पूछ रहा हूं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा मतलब भाई वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बड़ी अच्छी थी हां ये इन चीजों से आप इंप्रेस हुए बढ़िया कर लेती थी ऑलराउंडर थी ऑलराउंडर थी लगता था कि यार ये लड़की इसलिए आपको क्रश था हां इसको अगर मम्मी से मिलवाऊं सही रहेगा क्रश की किसी और की मम्मी से मिल गई पहले फिर उसके बाद तो कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं जो हुआ उससे पे शादी कर ली तो आपका क्रश मेरा क्रश कॉलेज में जाके हुआ था
मेरे कोर्स में नहीं थी वो, वो दूसरे कोर्स में थी, थे हम फर्स्ट ईयर में ही दोनों, थे हम दोनों फर्स्ट ईयर में, और अच्छी लगती थी, क्या अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था, मैं वो इसी को कहने की ये बात भी है कि फिजिकली अट्रैक्टिव लगती थी। हाँ, वो तो इन इशारों से मत कह, ऐसे ये भद्दा लगेगा। नहीं नहीं, वो सुंदर तो थी, सुंदर लगती थी मुझे, और मतलब कटरीना कैफ जैसी लगती थी भाई। और सोचो उस टाइम कटरीना कैफ, ये तो ये बात तूने उसको बोल दी होती, उसे बोली थी ये बात की तो? बोली ना, उसे पता होगा भाई। हाँ, अगर वो वाकई लगती थी, बहुत लोग बोलते हैं, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं अपना। तो वैसा था, और मतलब मुझे ऐसा लगता भी था कि मुझे देखती है शायद, मेरे को पसंद वो सबको लगता है, हमको सबको लगता है, और एक हमारा दोस्त भी होता है भाई, तुझे ही देख रही है। हाँ, तो ये दोस्त है प्रॉब्लम, उन्होंने ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करी। मतलब मैं वही की भाई, अभी तो स्कूल में आके लड़की, अभी तो कॉलेज में आके लड़कियां देख ही है, साथ में बैठना शुरू किया है, बात क्लास की लड़कियों से भी नहीं करता था मैं, वही लड़कों में घूमना वही सब होता था। लड़कियों ने वो भी सेकंड ईयर में आके बोला कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो, तब मैंने उनसे बात करना शुरू की थी। तुम एज इन स्पेसिफिक, मतलब मैं और एक दो, मैं अपने जैसे दोस्त, इंसान अपने जैसे कंफर्ट ढूंढता है ना, तो हमने जैसे दो चार ऐसे लूजर टाइप लोंडे पकड़ लिया हमने, लूजर ही कहूंगा अब तो। तो वो पढ़ती थी दूसरे कोर्स में, लेकिन ना वो आती थी कहीं साहिबाबाद की साइड से आती थी, ट्रेन से आती थी, काफी बच्चे आते थे ट्रेन से वहाँ पे सुबह सुबह, तो वो प्रगति मैदान पे उतरती थी। कैटरीना कैफ ट्रेन से आती थी? हाँ, प्रगति मैदान पे उतरती थी। तो वो भूमि पे उससे उम्मीद में कि मुझे दिख जाएगी, मैं भी आईटीओ उतरने लग गया। मैं मेरे घर से बस चलती थी जो मुझे आईटीओ छोड़ती थी, आईटीओ से सीधा कॉलेज की बस होती थी। तो मैं एक बस पकड़ के आईटीओ आता था, फिर आईटीओ से एक बस पकड़ के प्रगति मैदान उतरता था, दो स्टेशन दूर है, एक स्टेशन ही, एक बस स्टैंड दूर, वहां उतर जाता था। अब मैं मतलब सोचो कितना बड़ा तुक्का ले रहा हूँ कि सेम टाइम पे हम मिल जाए। वहाँ खड़ा होता था थोड़ी देर, 5-10-15 मिनट का अपना वो गेम खेलता था कि इतनी देर में आ गई तो साथ चले जाएंगे देखते हुए, तो वहाँ खड़ा रहता था। फिर दिखती थी कई बार, नहीं दिखती थी। फिर मैंने उसको सेकंड ईयर में मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि आज तो बोल ही दे भाई, अब कॉलेज खत्म होने वाला है, अगर हो भी जाएगी तो क्या करेगा, अगले साल तो कॉलेज ही खत्म हो जाएगा। बात कर ले मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, हिम्मत भी, मैं गया उसके पीछे पीछे। अब मैं पीछे उसको बोल नहीं पा रहा हूँ कि सुनो, और इससे पहले कभी बात ही नहीं हुई है। नहीं नहीं, अभी बात नहीं हुई, बस देखा देखा एक दूसरे को। मैं ये बोल नहीं पा रहा कि सुन लो, रुक जाओ, इसे रोको कैसे, पूरा कॉलेज का चक्कर मार लिया वो, पता नहीं क्या करती फिर रही। पूरा इस कॉलेज के एंड तक गई है, फिर इस वापस से उसी एंड पे आ गई है। तो मैं उसके पीछे पीछे गया, वापस से उसी एंड पे आ रहा हूँ। जब एकदम अब वो अपने दोस्तों के पास जाने वाली है बहुत दूर, वहाँ सामने उसके दोस्त बैठे, तो मेरा दोस्त कह रहा रहने दे, पूछते तुझसे नहीं हो पाया, रहने दे तू रहने दे। तब मैंने पीछे एक आवाज़ मारी हल्के से, हेलो, वो रुक गई हल्की सी, हेलो सुन के भी कि मैंने उसको, अब पता नहीं मुझे नहीं पता था भाई कैसे बात करते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो इतना बोला कि उसका नाम लेके मैंने कहा यार हम दोस्त बन सकते हैं, मैंने मुझे बोला नहीं। कैटरीना कैफ है। फिर मैं ऐसे हो गया, अब वापस मुड़ के देखा चली गई वो, मैं जाके बैठ गया। अब अपने दोस्तों को बता रही है, मैं मुझे पा रहा हूँ ऐसे फ्रेंडशिप करने की कह रहा है, वो ऐसे कर कर दिखा रही है ऐसे करके। मैंने कहा तो कोई पीटेगा, साला महेश का दोस्त, उसे कैटरीना से दोस्ती करनी है, साले महेश के दोस्त, इसका दोस्त तो उनकी हिम्मत तो नहीं थी कि दोस्तों की मुझे पीटते, पर ऐसे जरूर के देख रहे थे। अरे बेइज्जती तो लगती है, बेइज्जती लग रही थी मुझे। फिर मैंने नहीं देखा, मैंने ना उससे बोला, हुआ तेरे साथ है, लग मुझे रहा है, नजर में गिर गया। नहीं, मेरी में गिरा नहीं, मेरी में तो उठ गया, लेकिन बुरा फील हो रहा है। बहुत खराब चीज है जो बाद में हमें रियलाइज होती है, अब की हम थोड़े समझदार हो गए कि लौंडे ऐसे बोलते हैं, लड़की एक बार में नहीं मानती, थोड़ा पीछे जाएगा तो हो जाएगा, ये भी गलत है, ये गलत चीज है। लेकिन ये भी, मैं शायद ये गलत पे ले गया या मैं डर गया, मैंने कभी फिर उससे दोबारा बोला नहीं, कभी उसके आसपास नहीं। ये तो करना ही चाहिए बार बार ट्राई, लेकिन लड़कियां भी जो ऐसे एकदम ही हार्टलेस होकर मना कर देती है, वो भी बहुत गलत चीज है, वो तो बहुत बुरा था। वो भी मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने नहीं, क्योंकि मेरे अंदर लड़का लड़कियों से बहुत पढ़ता है। मैं नहीं पटा पाया किसी को। आपका जहन जैसे इसने ये वाले एफर्ट्स किए और हम सबने कहीं ना कहीं ऐसे किया कि कुछ एक करना अटेंशन पाने के लिए, या वो ऐसा आपने कुछ क्यूट किया है? यार मैंने तो बहुत शर्मनाक किया है। इसका वो जानेंगे, आप भी बताओ भाई। ये मेरा बेस्ट
साइकिल के आगे सीढ़ी लगाई है यार उससे कोई लड़के रिक्शे वाले चार इंप्रेस हो सकते हैं आपकी गली के और कुछ साइकिल के आगे सीढ़ी लगाना कौन लड़कियां है ये है हेमा रिक्शे वाली इसको बहुत जैन की साइकिल के आगे सीढ़ी पसंद आती एक्सेसरी थी मतलब मेरे पास ऐसे हैंडल मार के चमकाते थे ना उसको ये तो आप अपनी आज वाइफ तूने क्या शर्मनाक हरकत की यार हम ना कभी कभार सेम बस में जाते थे यही लड़की हाँ कैटरीना मैं वेट करता था कि बस में जाए जिस बस में वो प्रगति मैदान तक तो साथ में जाए हम तो मेरे पास फोन आ गया था फोन में गाने थे तो मैं गाने चलाता था मुझे अब एहसास हुआ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस हां और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं कितना गलत गाने चलाता था कौन थे मैं दिल दा पागल है चलाता था बब्बू मान का दिल दा पागल है तो घड़ी आई तो सैड हो गया सैड सॉन्ग चलाता था प्रपोजल वाला नहीं है तो और मैंने भी किया था मेरे को एक बार ना मैं खेल क्रिकेट खेल रहा था और मैं गिर गया था तो पूरी गर्म पट्टी बन के जा रहे नहीं नहीं तो ऐसे मैं गिर गया था और मेरा अंगूठा से मुड़ गया था जमीन पे गिर के तो ऐसे फ्रैक्चर हो गया था हल्का तो मुझे लगा कि कूल से पट्टी बनती है हाथ में मैं गया हॉस्पिटल में और उसने कहा कि हाँ इसमें वो आपका फ्रैक्चर हुआ है वो लगाई और ऐसे टेप बांधी बाकी का हो गया मैंने कहा पूरा हाथ नहीं पूरे हाथ की जरूरत ही नहीं आपके अंगूठे में ना इसको सीधा रखना और उस दिन मेरा फर्स्ट था उस दिन और मैं कॉलेज में गया और मैं ऐसे नाच रहा हूँ और मेरे को लौंडे मेरे को अरे भाई लग जाएगी आपको साइड ये ज्यादा शर्मनाक है यार मैं सोचा कि भाई अब इसको शायद तरस आ जाए लड़की को मैं ऐसे नीचे उसको शायद भीड़ में दिख नहीं रहा होगा यूं करके खड़ा हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ भाई लौंडे और साइड भाई साइड हो लग जाएगी आपको भाई हाथ दुख जाएगा आपको डेढ़ महीना में ऐसे घूमता रहा टुंडू बन के और वो इतनी मोटी पट्टी लगा दी उन्होंने आपको व्हाट हैपेंड से आगे कुछ नहीं पूछा फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या रहा मेरा वही है फर्स्ट से शादी नहीं पर हुआ कैसे मतलब लाइक वही है हमें एफर्ट मारने पड़े और मेरे में तो मुझे लगता है कि वैसा ही है कि इनफ मतलब चांस भी दिए गए मेरे को कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो गलत चीज़ें कर सकते हो सब किया मुझे लगता है मैं तो जैसे मतलब अपनी वाइफ को ये बोलता हूँ कि इसने कि अब इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट कर ही दिया है तो अब क्या छोड़ के जाना अब इसी हाँ अब इतना टाइम मतलब वो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना इन्वेस्ट तभी कहलाएगा जब इसके साथ रुके टाइम इन्वेस्ट किया इसमें और इतना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर इसे छोड़ा तो इसलिए शी डिसाइडेड टू स्टे बैक मेरे तो पहले रिलेशनशिप मास्टर्स में हुई अच्छी भली मेरी उम्र भी वही उतनी उम्र में गई उम्र हो चुकी है तो अकल आ गई थी वो सब चिचोरे चुपने वाली चीजें करी नहीं मैंने मैं तो नहीं आई थी अकल बाद में आई थी तो कुछ दिया तुमने टेडी बियर वाला देता था नहीं नहीं ये सब नहीं ये चाहिए भी नहीं उसको इतनी वो हमेशा समझदार थी ना वो कभी गर्ली गर्ली नहीं की ये सब चीज आप बताओ भाई आप उस्ताद हो राजेश भाई हम सबसे मैक्सिमम रिलेशनशिप्स राजेश भाई के रहे मैं तो बताया नहीं चलो तो आपको जैसे लड़कियों ने पटाया तो उन्होंने क्या गिफ्ट विफ्ट दिया आपको गिफ्ट एक बार दिए हैं दो तीन बार गिफ्ट दिए हैं मैंने भी दे देता था मैं भी आरसी से जाके 100-150 रुपए के वो पेंडेंट वेंडेंट दिए हैं मैंने कीरिंग भी तो आते थे कीरिंग की चेन और मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं एक रिलेशनशिप में था अच्छा मैंने कुछ नहीं किया था उसने मुझसे आके बात बात करी और मैं बहुत टाइम मना भी करता रहा नहीं मुझे नहीं करनी क्यों खा रहा था उनका कैसे रहता वो भी इतनी डेस्परेट होती थी इतने लड़के होते हाँ यार मेरे को बड़ा मेरे को बड़ा बुली फील होता था बुली करती थी हाँ मुझे खराब लगता था कि मैं ऐसे भाग जाता था वहां से अब उसमें क्या होता है कि दोस्त भी मिल जाते हैं उसमें लड़की के साथ हाँ अपने वाले जो बोलते कर ले वाले अब वो ऐसा वाला है कि हर बात पे उसने बोला कि तो वो कैसे ट्राई करती फ्लर्ट करती हाँ फ्लर्ट करना फ्लर्टी लाइनें बोलना ऐसे वाला था
क्या चलती थी उस टाइम में फिर भी मान ले तू खाना ऐसे की कुछ भी कोई बात चल रही है कि मान ले कि यार कितना सुंदर है कितना मेरा तो दिल ही खुश हो गया मेरा तो इसे देख के दिल खुश होता है ऐसे वाली लाइन है ये लड़की मेरे पे बहुत लाइन मारती है ऐसे वाला तो अब एक बार क्या हुआ मैं ना नहीं मतलब ऑनेस्टली मैं अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहा जिसे लड़की ने पटाया मैं तो रहा हूं। नहीं मैं नहीं रहा मेरे सारे दोस्त वही कि जूते घिसे हैं उन्होंने तब उनको जाके मिला तो मेरे लिए बहुत जमीन से उठे हुए लोग जमीन से उठे हैं भाई बिल्कुल जमीन के नीचे थे एक बार मेरे साथ क्या हुआ मेरी क्लास में एक लड़के का ब्रेकअप हुआ तो मैं क्या मैं फनी तो था ही मैं हंसी जब मेरी लड़कियों से दोस्ती हो गई तो फिर मैं जोक वोक तो मारता था तो खुश तो रहते थे क्लास के बच्चे मुझसे हंसी मजाक करता रहता था मैं तो उसका ब्रेकअप हुआ तो मैंने उसको थोड़ा बहुत हंसा दिया और मेरी क्लास में मुझे किसी को नहीं पता था क्योंकि मैं इतना किसी हम मैं दो साल तो मैंने किसी से बात नहीं बट इंट्रोवर्ट था तो लड़कियों को पता नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड है और वो पढ़ती भी नहीं थी कॉलेज में ये जिसने तेरे को बाहर से आके ट्राई किया था तो अब वो क्या हुआ कि वो उसको मैं अच्छा लगने लगा एक और लड़की को अरे वाह प्ले बॉय भाई है ओरिजिनल एफ बॉय फ्रॉम लक्ष्मी नगर सो दो महिलाओं को अच्छे लगे तो भाई अच्छा लगने लगा तो उन्हें क्लास की लड़कियों को बोलना शुरू कर दिया सेंस ऑफ ह्यूमर से तो अच्छा लगने लगा हाँ कि भाई मैं परेशान हूँ और ये मुझे इतना हंसाता ज्यादा रहता है ऐसे तो अब और वो तेरे तक ये बात आ चुकी है कि इसे भी पसंद हो हाँ क्लास की लड़कियां बोलना शुरू कर देती हैं यार दोस्त भी तो अब मैं मना कर रहा हूँ मेरे दोस्तों को तो पता है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई यार डबल डबल कैसे होगा तो एक लौंडा जोरा में था अब दोनों के नाम आर से पीछे बैठती है तेरे साले पास करा देगी तुझे कर ले मैंने कहा नहीं यार मैं तेरे प्रोजेक्ट ही बन जाएंगे कर ले तेरे चक्कर में हम सबका काम हो जाएगा वैसे राशी, राशी ना मुझे, लग रहा है उसका नाम उसने मुझे कन्विंस कर दिया भाई डबल टाइमिंग के लिए हाँ मैंने हाँ बोल दिया और एक कॉलेज की बार हाँ तो वो कैसे हाँ बोलना कैसे होता लड़की ने कैसे प्रपोज किया लड़की ने ऐसे प्रपोज नहीं किया लेकिन बात तो हो ही रही थी ना कि ये होना है तो यार दोस्तों को मैंने बोल दिया हाँ ठीक है तो हो गया दोस्तों के थ्रू कन्वे करा दिया हो गया यार से मेरी बंदी लेकिन अब भाई मैं मेंटली बहुत मेरे को गिल्ट होना शुरू हो गया ये देखो इसने स्कूल की भी कसर यहाँ पूरी किया फर्स्ट हाफ ऑफ पॉडकास्ट में सिर्फ लिसनर है नाउ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ मैं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया भाई मैं उससे बात भी नहीं करता दो तीन दिन चला है काम ज्यादा नहीं मेरे को बहुत गंदा फील होने लगा गिल्ट फील होने लगा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना भाई मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ इसके साथ भी ऐसे मुझे बहुत खराब फील होने लगा अब मैं वो हो गया ईशान नंद किशोर अवस्थी सेकेंड हाफ वाला ऐसे नहीं कहीं बैठा हूँ क्लास में शांत वो कह रही क्या हो गया तुझे तू अब बोलता नहीं कुछ नहीं ऐसे ही सब और मैंने डिसाइड किया कि फाइनली मैं मना कर दूंगा इसको अच्छा कभी ऐसा नहीं है कि पिछली वाली को कर दूं नहीं इसको मना कर दूंगा तो मैं बाहर गया और ऐसे हमने दोस्तों ने प्लान किया कि मना कर देंगे और उन्होंने कहा ठीक है और सब कुछ बताने की जरूरत नहीं क्यों मना कर रहे हैं फिर तो क्योंकि बुराई होगी अपनी ऐसा बोल देते कि नहीं करनी यार नहीं जम रहा अपने को तो मैंने उसको बोल दिया मैंने उसको मैसेज में बोल दिया कि यार दोस्ती ठीक है खराब हो रही है दोस्ती भी अभी रहने देते हैं सब तो जब मैंने उसको ऐसा बोल दिया तो उनके पूरे ग्रुप में वो सब चल गया कि भाई ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया इसको क्या हो गया ऐसा क्या लिखा है इसमें अब हम दोस्त बाहर से आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने उसको बता दिया किसके से पहले हाँ अब मैं कॉलेज में आया हूँ और कह रहा है मैंने कहा क्या मैंने कहा क्या कर दिया बता दिया मैं क्या बता दिया अच्छा वो जो वो लौंडा वो याद रखना वो लौंडा जिसने कहा था कर ले आगे पीछे बैठ वही है ये नहीं 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 वो मेरे साथ था और जो लड़की थी ना उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड थी तो इसकी फट गई कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड को पता लगा इसको पता था तो इसका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो मैं कह रहा हूँ क्या बता दिया तेरी गर्लफ्रेंड थी इसने तुमने मना कर दिया क्यों बता दिया और वो एकदम से भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए और सामने से गर्लफ्रेंड आ रही गुस्से में तुझे पता था करा क्या? क्या क्या मुझे नहीं पता जैसे उधर प्लीज मत बताना अभी चलता हमने कहा मैं कर दिया नहीं इसको नहीं किसी को नहीं पता था अब भाई सारी लड़के ने वो बना लिया ऑलमोस्ट मैं पिटने वाला हूँ जैसे ऐसे वाला तू तो हुआ नीचे में कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है ऐसा कैसे कर सकता फिर एक दो जो लड़कियां क्लास में समझदार थी उन्होंने बोला कि यार इसने गलत थोड़ी किया है और दो चार महीने बचे कॉलेज में गुड आई लाइक दीज टू गर्ल्स सेंसिबल गर्ल्स दे आर माय टाइप फिर बीच में 10 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी कॉलेज की जब वापस आए तो फिर सबका हो गया कि समझदारी से हाँ ठीक है तो आज अभी हम सब लोग अच्छे दोस्त हैं लड़की से मिलना बातें करना वो अलग चीज है और आप अगर किसी को लाइव पार्टनर देख रहे हो
तो उस पे टाइम इन्वेस्ट करना सबकी अलग चीज है, उसको प्रोसेस बना दिया, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। कि मतलब एटलीस्ट मैं अपनी रिलेशनशिप देखता हूँ बहुत ऑर्गेनिक थी, कि दोस्ती हुई, दोस्ती से लगता रहा कि अरे यार सही बंदा है, अच्छा अच्छी लड़की है, वो गहरा हो गया सब। हाँ लाइक आपने नहीं बताया आपकी दोस्ती कैसे हुई, ये तो लोग डेफिनेटली जानना चाहेंगे। बिल्कुल बताओ। मेरा भी ये था कि मैं एमए करने आया तब तो मेरी कोई बंदी थी नहीं, और मुझे एक दो दोस्तों ने चढ़ा रखा था कि जामिया बन जाएगी, एमए बन जाएगी तेरी बंदी। अच्छा, ये बहुत सारे कॉलेजेस को लेके भी, यहाँ तो आसानी से हो जाता है। तो मेरा लिबरल जामिया इज वन ऑफ दोस कॉलेज। हां, तो ऐसा लगता था कि हां यहां तो मिल जाएगी। हां, तो एमए में आया मैं, तो बात-बात एक साल तो ऐसे निकल गया। और कौन सा कोर्स था ये? एमए मास कम्युनिकेशन। एक साल ना मैंने उससे बात करने में, उसने मुझसे बात करी, मुझे बहुत हाई सोसाइटी लगती थी जो कि थी भी, उसे लगता था कि मैं एरोगेंस बहुत है जो कि था भी, तो जैन एरोगेंट तो नहीं हुआ कुछ। फिर पर आप थे क्या पहले एरोगेंट? अभी भी हूँ। हमें क्यों नहीं लगता, तुम लोग सामने नहीं हूँ पर वैसे हूँ। बट फिर सेकंड ईयर में एक ही ग्रुप में बना दिया प्रोजेक्ट, मैंने कहा गांव के साथ करूंगा मैं। मैंने जाके बोला प्रोफेसर को, हटाओ मैं चुप के साथ काम करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कर लो मजबूरी थी, करना पड़ा। बातचीत हो रही थी। क्या था प्रोजेक्ट आपका? ये फिल्म बनाते थे, तो दोस्ती यारी हुई, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुआ। हो गया कि मैटर आगे बढ़ गया, बात हाथ से आगे निकल गई। एरोगेंस को आपने साइड में रख दिया? एरोगेंस को साइड में रख दिया, उसी तरह शादी के बाद निकाला। उन्होंने भी तो अपनी हाई क्लास साइड में रख दी। हाई क्लास साइड में रख दी, उसने भी शादी के बाद निकाला। बट यही था, दैट्स ऑल भाई, एटलीस्ट ऑर्गेनिक था। लाइक आई सेड कि वो कोई दिमाग से नहीं कर रहा यार इसको पटाना है, इसको सेट करना है, ये अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक जब से वो प्रोसेस बन गया रिलेशनशिप कि करना है, खोजना है, टिक मार्क करने, तब से आई थिंक देन इट्स बिकम अ टास्क। इस पे आई थिंक कमेंट आएंगे लोगों के कि इस पे चर्चा की जा रही है कि अभी डेटिंग कल्चर ज्यादा हुए है या पहले ज्यादा था? पहले भी थे यार, अभी पहले थोड़ा मतलब जैसे अगर पहले फोन नहीं था, ये नहीं एक्चुअली डबल एज सॉर्ड है, जैसे अभी जैन कह रहे थे कि एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे चला लोगे, फोन में पड़ जाओगे, बट पहले शायद फोन से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल मिलेगा नहीं, एज इन ऑनलाइन डेटिंग है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर लिया तो शायद छुपाना ज्यादा आसान है। हर चीज आसान थी भाई, नहीं मतलब ढूंढना तो मुश्किल रहा होगा पहले। हाँ, ढूंढना और वही मुश्किल था, जगह मिलना मुश्किल था। हाँ, बाकी सब चीजें तो फिर भी मतलब पता नहीं ये कौन सी फिल्म है, मेट्रो है या कौन सी फिल्म है, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया ना, शायद लाइफ इन अ मेट्रो में, शायद वो एक शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड जो होता है वो ऑफिस में चला रहा होता है। हाँ मतलब लाइक मुझे भी ये लगता है कि यार जनरेशन वाइज चेंजेस आए हैं, जो 80s में होता था वो 80s के हिसाब से बहुत अलग था, जो 90s में आप फोन कर रहे हो यार बहुत बड़ी चीज थी कि भाई लड़का लड़की को फोन क्यों करता है। एक हिस्से मुझे याद आया, एक मीम था पता नहीं क्या था, वीडियो था शायद, बट वो तो था कि अगर लड़की ने आपके घर फोन किया और मम्मी बोल दें कि लैटरिन में है, उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट मुझे लगता धरती पे आज तक कुछ आई है कि लड़कियों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम पॉटी भी जाते हैं। नहीं पॉटी जाते बात अलग है, लैट्रिन जो वर्ड है ना, एल वर्ड, लोग एफ वर्ड के पीछे हैं, एल वर्ड के मैं पीछे हूँ, लैट्रिन जाता है। कोई लड़का लैट्रिन नहीं जाता है, लड़कियों सुन लो। नहीं मतलब खुद सोचो ना कि वॉशरूम गया, लू गया है, पॉटी कर रहा है। अरे लू तो अब पता चला है मुझे, लू सिर्फ 2 महीने चलती थी बचपन में मेरे। लू तो भाई मुझे एक बार घर में कोई अंकल आया, कहते वेयर इज द लू, आउटसाइड। नहीं मैंने आउटसाइड मैंने बोला, मैंने कहा हैव यू सीन प्रगति मैदान, कहते यस, मैंने कहा व्हेन यू गो फ्रॉम प्रगति मैदान टू निजामुद्दीन ऑन द लेफ्ट साइड इज द जू, जू कह रहा मैं लू, मैंने कहा व्हाट लू, फिर मेरे पापा ने बताया बाथरूम। ग्रोइंग अप हमारे यहाँ तो बाथरूम वॉशरूम वॉशरूम भी मतलब थोड़ी बड़ी सोसाइटी में कहता चला, हाँ बाथरूम ही बाथरूम टॉयलेट एग्जैक्टली। और इसमें तो मुझे लग रहा है बहुत लेटर्स आने वाले हैं रिलेशनशिप्स पे, तो उन लेटर्स का तो जवाब आप देंगे, बट उससे भी पहले अगर इन जनरल आपको किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए एक एडवाइस देनी हो, आप एक ही में रहें लेकिन वो रिलेशनशिप हेल्दी रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बी ऑनेस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ cheating or everything, but about how you are feeling, because what you don't like वो भी बता दो, what you don't like वो भी बता दो, अगर वो नहीं सुधरने वाला है तो बेहतर है कि relationship वक्त रहते खत्म हो जाए, rather than that thing growing inside you as a cancer और वो बड़ा बनती रहे, because अगर is there one thing about my partner that I do not like और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूँ, eventually मैं उसकी बाकी अच्छी चीजें को भी hate करने लगूंगा, because मेरे दिमाग में वो एक चीज नहीं बड़ी हो जाएगी। मेरे अगर आप उसे address कर लें और अगर आपको लगता है कि भैया उससे आगे चीज नहीं बढ़ सकती है, make peace with it और make peace with it, but be honest,
अबाउट योर फीलिंग्स. ये नहीं कह रहा हूँ कि बी ऑनेस्ट, लॉयल्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज अप टू यू. मतलब सबके अपने मॉरल कंपास हैं, बट बी ऑनेस्ट अबाउट योर ओन फीलिंग्स. मिलती जुलती है, लेकिन यही है कि बात कर लो, बात बोल दो, बोल दो, बात कर लो. कई मतलब मेरा से सॉरी इमीडिएटली, नो आर्ग्यूमेंट, लेसर द आर्ग्यूमेंट्स हैप्पियर यू आर. ये अच्छा आइडिया, गुड. अपनी बीवी को बताता हूँ. देखो देखो शुभम क्या कह रहा है. भाई सच में मैंने देखा कि वो पहले पहले देखा, देखो राजेश क्या बोल रहा है, बोल दो फिर हम क्या ये बोलो. मेरा तो सिंपल है कि जब आर्ग्यूमेंट किसी की भी हो, हाँ आप सॉरी आर्ग्यूमेंट खींचेगा ही नहीं, ये तो बहस ही नहीं कर रहा यहाँ, तो अपने आप ही हंसने लग गई, अपने आप ही खुश हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा. और वो ये मैं सेम डायलॉग बोलता, पांचवी बार फिर वही चीज पे आर्ग्यूमेंट होती, तो वो लंबा चलता, फिर मनाने के एफर्ट ये वो. इससे अच्छा भाई गलती मान के हो चाहे ना हो, और ये दोनों जेंडर के लिए आई थिंक वर्क करता होगा कि एक पार्टनर अगर थोड़ा ऐसा मतलब वो ले ले कि हाँ मेरी है, ठीक है, क्या ही हो जाएगा, मैं क्यों लूं. कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती भी है, कोई दिक्कत नहीं है. बीवी को समझाता हूँ ये, सॉरी बोलती है 9 से 10 बार में गलती हो ना, सॉरी बोल दो. बिल्कुल यार, इन माय केस इट्स ऑलवेज वर्किंग. आर्ग्यूमेंट उधर ही खत्म. गुड आइडिया. ये आप बिल्कुल करें, ये बिल्कुल करें. और इसमें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत खत, बहुत वो निकल के आने वाले हैं. और किसी और का आपको ऐसा सेलिब्रिटी रिलेशनशिप बहुत आइडियल लगता है, बाहर से जितना दिखता है, ऑफ कोर्स अंदर का तो हमें उनका नहीं पता. मतलब एक लौता लगता है मुझे भाई, ऑफ कोर्स शाहरुख खान, शाहरुख एंड गौरी. अच्छा वाह, वो तो चिल्लाते हुए वीडियो आया था उनका तो NMMC में, वो क्या था. तो भाई ये भी तो नॉर्मल ही है यार, बोल दिया. ये तो जैन भाई को अच्छा लगा, वो चिल्ला रहा था, सॉरी नहीं बोल रही थी. जैन तो फुल कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत टॉक्सिक हूं, गर्ल्स डोंट फॉल इन लव विद मी, आई एम वेरी टॉक्सिक. तुझे कोई ऐसा सेलिब्रिटी कपल लगता है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, कोमल पांडे. अरे नहीं यार, वो किसी के आईडी नहीं बनूंगा अगला. अरे खत्म भाई, खत्म, माइक ड्रॉप, इसी पे खत्म, एंड ऑफ द एपिसोड. लाइक शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और परफ्यूम अगर ले तो सिर्फ विलेन का ले. हर एपिसोड यहाँ रखे हुए हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बहुत जल्दी एक एपिसोड डेडिकेटेड ओनली टू लेटर्स. लेटर्स आपको इस ईमेल आईडी पे लिखने हैं और अपने बारे में बता के लिखना है, नाम चाहे तो छुपा ले, लेकिन कितने साल के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसी डिटेल्स आप हमें दे. और ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करके भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हैंड रिटन भी आप भेज सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा. जितना ज़्यादा प्यार आप इस पॉडकास्ट से करते हैं वो करें, हमें इस पॉडकास्ट को देश का नंबर 2 पॉडकास्ट बनाना है, क्योंकि नंबर 1 पॉडकास्ट बनाना हमारा सपना ही नहीं है. सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय.